नमस्ते किसान दोस्तों, मेरा नाम प्रकाश कुमार, स्वागत है आपका YouTube चैनल फार्मिंग वाला पे। तो किसान दोस्तों, आज की इस महत्वपूर्ण वीडियो में बात करेंगे देसी मुर्गी में होने वाले बीमारी के बारे में, और उस बीमारी का नाम है CRD। और जो CRD बीमारी है, इस बीमारी से हमारी जो भी देसी मुर्गी है वो काफी इम्पैक्ट होते हैं और किसानों को काफी नुकसान उठाना पड़ता है। तो दोस्तों, कोई भी बीमारी का इलाज से पहले हमें उनका लक्षण के बारे में जानना काफी जरूरी होता है। लक्षण से ही हम बीमारी का पता लगाते हैं और उस अनुसार से उसका इलाज करते हैं। CRD का लक्षण की बात करें तो ज्यादातर मुर्गियों में देखा जाता है कि आँख से पानी आना और नाक से पानी आना, हांफना, वृद्धि में कमी आना, सांस लेते समय घड़ घड़ की आवाज आना, गर्दन पतली होना और कुछ मुर्गियां छींकने लगती है और सुस्त होके बैठे रहना, ये कुछ लक्षण है जिससे हमें पता चलता है कि हमारे जो भी चिक्स है उसमें CRD उनमें हो गया है। CRD होने का क्या कारण है? तो दोस्तों, अगर आपका फार्म गंदा रहता है या फिर साफ सफाई पर अगर आप ध्यान नहीं देते हो, उस दौरान आपके फार्म में CRD होने की प्रोबेबिलिटी बनी रहती है। CRD का जो बीमारी है वो गंदगी से ही सबसे ज्यादा होती है, और अगर आप गंदा पानी मुर्गी को देते हैं या फिर फार्म गीला रहता है उस दौरान भी CRD हो सकती है। CRD मुर्गियों में ना हो इसके लिए हमें क्या करना चाहिए? तो दोस्तों, सबसे पहले आपको अपने फार्म पर साफ सफाई पर ध्यान दे, फार्म में गंदगी ना रखें, समय समय पर हमेशा सफाई करें, साफ पानी ही मुर्गियों को पीने के लिए दें। अगर आप खुले में पालते हैं तो बरसात के पानी से बचाएं, और आप अपने फार्म का डिजाइन ऐसा रखें कि एक तरफ से हवा घुसे और दूसरी तरफ से निकल जाए। ठंडे के दिनों में ठंडी हवा से बचाएं और समय समय पर वैक्सीन अवश्य लगाएं। इस तरह से आप केयर करके CRD आने से रोक सकते हो। CRD का उपचार, तो अगर आपके फार्म में CRD आ गया है तो आप इसका इलाज कैसे करेंगे? तो इसका इलाज दो तरह से किया जाता है, पहला मेडिसिन यानी दवा से, दूसरा आयुर्वेदिक तरीके से। तो हम दोनों तरीके पर बात करेंगे। सबसे पहले हम बात करते हैं मेडिसिन यानी कि एलोपैथिक तरीका से। तो सबसे पहले आपको लिवोफ्लेक्सिन 10% इस मेडिसिन को आपको वेटनरी शॉप से लाना है। यह मेडिसिन आप कोई भी कंपनी का ले सकते हो, लेकिन इसका केमिकल नेम लिवोफ्लेक्सिन 10% है। इस मेडिसिन को लाने के बाद आपको रात के समय में इस मेडिसिन को आपको ड्रिंकर में पानी के साथ देना है। इस मेडिसिन की मात्रा आपको 1 ग्राम 1 लीटर पानी में देना है। इस अनुसार से आपके पास जितना मुर्गी है उसी अनुसार से आपको मेडिसिन देना है। जैसे कि आप अगर रात के समय में 10 लीटर पानी का उपयोग करते हो तो आप 10 लीटर पानी में 10 ग्राम इस मेडिसिन को अच्छे तरह से घोलकर ड्रिंकर में दे देना है। इस तरह से 3 से 4 दिन तक इस मेडिसिन को आपको देना है। उसके बाद आप देखेंगे कि अगर आपका मुर्गी में जो CRD का लक्षण था वो अगर ठीक हो गया है तो इस मेडिसिन को बंद कर दे, और अगर मुर्गियों में पूरी तरह से सुधार ना हो तो फिर 5 से 6 दिन तक इस मेडिसिन को चलाएं, फिर इस मेडिसिन को बंद कर दें। उसके बाद आप 3 दिन तक कोई अच्छा लिवर टॉनिक मुर्गियों को जरूर दें, ताकि इस एंटीबायोटिक मेडिसिन से जो भी मुर्गियों का लिवर में इफेक्ट हुआ है उसे ठीक कर सके। आप लिवर टॉनिक में ब्रोटोन या फिर हिमालया का लिप 52 भी दे सकते हैं। ये तो आप जाने एलोपैथिक इलाज के बारे में। आप दोस्तों बात करते हैं आयुर्वेदिक इलाज के बारे में। तो दोस्तों, 100 मुर्गियों के लिए मेडिसिन बनाने की विधि के बारे में आपको बता रहे हैं। आप अपने मुर्गियों के अनुसार कम या ज्यादा मेडिसिन बना सकते हो। तो 100 मुर्गियों के लिए आपको 100 ग्राम लहसुन और 100 ग्राम अदरक और 100 ग्राम हल्दी लेना है, और उसके साथ 5 ग्राम काली मिर्च और 5 ग्राम तुलसी का पत्ता उसमें मिक्स करना है, और इन सभी को बढ़िया से मिक्सी में पीस ले और फिर पानी में उबाल कर ठंड कर ले, और उसके बाद इसे छान ले। फिर जो फार्म में ड्रिंकर है उसमें पानी डालकर थोड़ा थोड़ा इस मेडिसिन को मिला दे। इसे आप सुबह शाम दोनों समय दे सकते हैं। यह प्रोसेस आपको 4 से 5 दिन तक करना है। फिर आप देखोगे कि आपके मुर्गियों में धीरे धीरे कर जो भी मुर्गियों में CRD का लक्षण दिख रहा था वो बिल्कुल ठीक हो जाएगा। तो दोस्तों, उम्मीद करता हूँ कि यह छोटी सी वीडियो में यह महत्वपूर्ण जानकारी आपको अच्छा लगा होगा। वीडियो अगर अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करें, और हो सके तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना।
और कोई जरूरी सुझाव हो तो नीचे कमेंट में जरूर लिखें। थैंक यू वीडियो को पूरा देखने के लिए। मिलते हैं कोई और वीडियो के साथ, तब तक के लिए गुड बाय, जय हिंद।